गुड मॉर्निंग मित्रों। देखो होली के बाद का आज सेकंड डे है, मतलब फर्स्ट डे है। देखो मेरा कलर हाथों का ऐसा हाल है, मुंह का आप देख सकते हो अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो अगर ऐसे अगर आपका भी नहीं छूट रहा तो भाई गोला का तेल लगाओ, सबसे बेस्ट है। गोला का तेल लगा के छोड़ दो, बाकी आधे घंटा बाद मुँह में धो लो। फेस वॉश साबुन जिससे आप यूज़ करते हो उससे धो लो भाई, हल्का हल्का छूटने लगेगा धीरे धीरे, विद द टाइम छूटेगा, ऐसे नहीं एक बार में छूट जाएगा। ये जी हमारा नींबू का पेड़, ठीक है। यहाँ पे बो रखी थी हमने पालक, जिस बो देख रहे हैं तो यहाँ में अब ये पालक सूखने के बाद में ये बीज वाला सीर आ गया। अब नींबू के पेड़ को ऊपर निकल गई है ये पालक। देखो मैं यूँ कह रहा हूँ भैया, पालक को यूँ पेड़ है या क्या बोलते हैं इसको, ये तो पत्ते पत्ते से होते हैं बस, वो उस टाइप का वो। देखो जब जैसे कल चंद्र ग्रहण पर हो तो जो भी जच्चा बच्चा रहते हैं, जो भी प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, उनको ये लगा देते हैं गेरू। टाइल लगवाई थी इस कलर की, आफ्टर होली ये हो गई इस कलर की। कैसी है ब्रो ये गाड़ी मर्सिडीज की, कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी। मस्त है ना, छोटे छोटे बच्चों के लिए। कितने की होगी चल तू बताया है? 5,000। पागल है क्या? 10,000। और अब तो पहले तो ये आवाज भी करने लगे, चाइनीज माल है पूरा, इंडियन में इंडियन ना, चाइनीज माल में बालक ने बैठा कह रहा मैं राजी करे रखो। अब यहाँ को शौक पूरा हैली हो गया ऐसा लग रही है। क्या है ये कहाँ मुझे बिठा के इधर उधर बस घुमाए जा रहे हैं चौदह में यूं ही। मैनुअल नहीं चलती क्या गाड़ी? मैनुअल इसमें बस ब्रेक लग सकती है और कुछ नहीं। मैनुअल इसमें ब्रेक लगती है और कुछ नहीं होता। आवाज भी करती है इंजन की भाई, स्टार्ट होगी तो इंजन आवाज तो करेगी ना। इसमें गाने भी बजते हैं और लाइट भी है इसमें तो। अरे तो तू यार हल्के में ले रहो का या मैं गाने वाने सब है भैया। ओह माय गॉड, मैं के ढोरे लगाए ना, इतनी दूर क्यों लगा दी? पास ला जबी तो एकदम ऐसे मस्त सा वो बनेगा। तो भाई हमारे पास खड़ी है आज टीवीएस अपाचे 164 स्पेशल एडिशन और खड़ी है होंडा की एक्टिवा स्कूटी, और इन दोनों की अब करानी है हमको सर्विस। ये बाइक को तो हो गए हैं 2 साल, अब इसकी सर्विस वो शोरूम वाली तो हम कराएंगे नहीं। ये कितनी चल गई? एक सेकंड, दिख ना रही मेरे 30,000। मेरे चश्मान थे ना, दिख रही है ना मेरे चश्मों की वजह से मुझे नहीं दिख रहा, वैसे तो दिख रहा है। 23,000 किलोमीटर यू चल गई है और यू 835 किलोमीटर ये स्कूटी चल गई है। ये अभी हुए हैं 3 महीना। वैसे पहली सर्विस आई थिंक 500 किलोमीटर पर हो जाती है इनकी, बट हमने वो टाइम सा नहीं मिल रहा था, यू नो वी आर वेरी बिजी पर्सन, हमारे पास बहुत सारा काम है। आज अब याद है भाई के सहयोग से हम स्कूटी के साथ में सर्विस कराने के लिए एक्सपीरियंस लेने वाले हैं होंडा का, क्योंकि मैंने आज तक नहीं देखा है होंडा की सर्विस होती कैसे। टीवीएस की तो देख ली कई बार कि कैसी सर्विस होती है, इसीलिए अब मैं उनके शोरूम वगैरह वहाँ पर नहीं जा रहा हूँ भाई, इतना महंगा पड़ता। तो चलें भैया, चलो निकलें जी। ठीक है तो भैया फिर हम निकल रहे हैं, ठीक है ना? अब तुम देखते रहियो कैसा सर्विस को एक्सपीरियंस रहेगा, ठीक है ना? कभी कभी भग जाओ ना। क्या हुआ? इसको करवा के इसको देने चलेगा है? इसको करवा के इसको लेके चलेगा। जा मैं ज्यादा देर को काम थोड़ी ना रहे, देख लो पूछ लो कितनी देर लगेगी। वैसे ये कोई मोटी मोटी काम करें, इंजन ऑयल डाले हैं, फिल्टर विल्टर डाले हैं, एक घंटा से कम तो नहीं। या तो खड़ी करके ही चलनी है बस वहाँ की। अगर मैं आपको मोटी मोटी दिक्कतों की बात बताऊँ तो इसकी चेन जो है वो आवाज़ कर रही है, अभी गिराली डलवाई ना उसमें, उस दिन आपने देखा था, उसके बाद में फिर से ऐसे ढक 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 की जैसे पहला आवाज़ करे ऐसे करने लगी है दोबारा से। क्लच इसकी ये टाइट हो गई है, कहीं भी छूट जाती है कहीं भी लगती है। चेन सेट डाउन है, कोई बात नहीं, तू यार ये सही कर दे, चेन सेट डाउन है, खामा कहीं पैसा बनाने के चक्कर में कि ज़्यादा चेन सेट के चक्कर में जब पैसा बना लेगा मुँह पता मोटे, मैं क्यों फालतू में करूँगा जब तक चल रही है चलन दे। चेन सेट डाउन है या को जो कह रहे हो चेन सेट डाउन है? हाँ अभी तो तूने बदलवाया था स्पॉकेट, गिरारी बदलवाई हो तो चेन सेट डलवाई। हाँ आगे वाली बदलवाई थी पीछे वाली? आगे वाला पीछे वो 25,000 चल गई यार, अब कब बदलेगी फिर? बदले हैं ये चीज़ और कितने रुपया की आवे हो? 7-8 सौ की आएगी। है इतनी महंगी? ये डलवाया भाई मैंने इसमें इंजन ऑयल इस बार मोटुल का, ये पड़ा है मेरे को 350 रुपीज़ का, बाकी वहाँ पे ऑप्शंस और भी थे कैस्ट्रोल वगैरह अवेलेबल इन टीवीएस का, बट ये 350 रुपये का था, वो सब 300-300 रुपये के थे। तो मैंने कहा भैया महंगी चीज़ ज़्यादा बढ़िया रहती कही है, तो अब कहे हमारे यहाँ डलवा के देखो। हाँ भाई कैसी रिपोर्ट है? हैं बता अब स्टेयरिंग को इधर आएगा? हाँ यू नहीं इतना ज़्यादा जा रहा है खो है
इधर बाहर की तरफ जा रहे थे। हाँ यू और यू थोड़ा सा ऊपर को उठेगा। यू मुँह पे एक बार गिर गई और वहाँ पीछे या कोई स्टेयरिंग ऐसा होगा कतई एकदम खराब कतई बेकार कती। भाई अपनी बाइक की सर्विस करा ली है 570 रुपये में, 100 रुपये लेबर चार्जेस और 120 रुपये में फिल्टर, 350 रुपये में अपना इंजन ऑयल, 570 रुपये में काम डंडना डंडन। अब आ गए हैं होंडा की सर्विस कराने के लिए अपनी स्कूटी की। ये खड़ी अपनी स्कूटी यहाँ पे, अब फर्स्ट टाइम आए हैं, अब देखते हैं क्या एक्सपीरियंस रहता है कैसा। और नाउ जॉब कार्ड रेडी हो रहा है अपनी स्कूटी का यहाँ पे। भाई देख तेरी पहली सर्विस तो हो गई एक्सपायर, क्योंकि एक महीने के अंदर 1000 किलोमीटर मिलता है, उसने में करानी होती है। अब ये हो गए तेरे 4 महीना, 1000 किलोमीटर पूरा भी नहीं हुआ भैया। इसकी सर्विस पहली करानी थी हमको 1 महीने में, या और 1 महीने में 1000 किलोमीटर चला लेते तो सर्विस करा सकते थे। अब इसकी ये सर्विस उठा नहीं रहा इनके जॉब कार्ड में। अब ये या तो 5000 किलोमीटर चलाओ इसको, या फिर 6 महीने में करा। 6 महीने में करा। अब 5000 तो चलानी कोई हल्की बात ना है, कोई 2-4 दिन में ठीक है। तो अब इसकी होगी 6 महीने में। अगर अब हमको इसकी सर्विस करानी है तो इसकी सर्विस के लिए अब हमको पेड सर्विस करानी होगी, तो 365 रुपये का तो इसमें इंजन ऑयल वगैरह कुछ डलेगा और 300 रुपये इसमें लेबर चार्जेस लगेंगे। मतलब हमको 650 रुपये अब अपनी जेब से देने पड़ेंगे तब सर्विस होगी। हमने ध्यान ही ना दिया। ए टीवीएस में तो कोई सीन ना आया, टीवीएस वाले तो वैसे करते हैं यार, है ना, वो तो आपसदारी को तो काम समझे हैं वे तो। यहाँ होंडा के तो ये अलग ही है यार, हम कह रहे हैं भाई कोई बात ना कर दे तू, इनका पूरा रूल टू रूल चलता है। अब यार हम पैसा देके क्यों कराएंगे जब फ्री सर्विस, और वैसे भी चल तो रही है 2 महीना में, ये 200 किलोमीटर और चल जाएगी ज़्यादा ज़्यादा, घर से फार्म ही तो चले हैं बस। हैं चलो नहीं करानी, उदासीनता के बादल छा गए। नहीं करानी फिर, नहीं कराएं अब क्या ही करें, अब इतनी भी कोई ज़रूरत तो वैसे है ना यहाँ की कराने की। वैसे सही चल रही है, ओके चल रही है, अभी कोई दिक्कत ना आए। यहाँ पे मैडम लड़ने लग रही है अपनी स्कूटी वकूटी लेकर, कहा दिक्कत होगी मैडम की स्कूटी में, खड़गी मैडम ने स्कूटी के पीछे से पता नहीं फ्यूल टैंक में मैडम की कोई दिक्कत हो गई है। अब मैडम यहाँ लड़ने लग रही है, कैसे कैसे हो गया, तुमने सही नहीं हुई है, कंप्लेंट करी थी फिर भी तुमने सही नहीं करी है। कोई बात नहीं छोड़ो हमको, कोई बात नहीं हमको दूसरों को इसमें क्या पढ़ना, अपने को तो टेंशन रहे छोड़ो भाई। अब हमने फाइनली डिसाइड किया कि कोई बात ना सर्विस करवा ले, 300 रुपया देने पड़ रहे हैं तो कोई बात ना कहेगा। पर यार वैसे ये कोई अच्छी बात तो है नहीं कि 300 रुपये लेबर चार्जेस दो, 300 रुपये वो दो। अरे भाई क्या देखते हो जा रहा है कि ये कौन यूट्यूबर आगे क्या होंडा में। भाई अब हमने होंडा की स्कूटी वकूटी ले ली है तो अब तो तुम पे वीडियो आएंगी, अब तो तुम्हारी सारी पोल खुलेंगी, अब तो ऐसा हो ही ना सके। भाई यार ये गलत चीज़ है कि मतलब ऐसे या तो इसको 1000 चलाओ या 1 महीने में कराओ या 6 महीने में कराओ, अगर 6 महीने में नहीं कराते तो 5000 किलोमीटर चलाओ जब होगा। पता नहीं क्या रूल बना रखा है। टीवीएस का अपना बहुत सही है, टीवीएस में मैं कभी भी जाऊँ कभी भी करा लूँ, कोई दिक्कत नहीं होती वहाँ, कोई ये मतलब नहीं है कि इतने महीना में करा। अबे भाई आए हैं अपना जॉब कार्ड बनाने के लिए, अब यहाँ पे जॉब कार्ड बनवाएंगे हम 300 रुपये एक्स्ट्रा दे के। इसमें कैसे खड़ो दूंगे पा तुमने घर पर, नंबर बता दे वही 8 बता दिया। चलो जी होंडा का कस्टमर लॉन्च देखते हैं सर्विस का। ये तो है जी वॉशरूम एरिया आपका, ठीक है जी आ जाओ। अब यहाँ पे लॉन्च में चलते हैं बैठने के, नहीं यहाँ लॉन्च कम ही तो वेयर हाउस ज़्यादा लग रहा है। और चलो वाओ नाइस लॉन्च, नो फैन नो एसी नथिंग ऑन, कोई आता ही नहीं है यहाँ पे। वाह क्या लॉन्च है, या धूल भी चल रही है, कोई बैठे ना वन टाइम तो दे दिए भैया, 1.5 घंटा बाद आई हूँ। चलो 1.5 घंटा बाद ही आई हूँ भाई, बैठने लायक जगह ना है। भैया मैं अब अपनी बाइक की एक बार रीसेल वैल्यू लगवा के देख रहा हूँ हॉर्नेट के साथ में। जैसे हॉर्नेट हमको 162,000 की पड़ रही है ऑन रोड, अब मैं सोच रहा हूँ थोड़े अपडेटेड वर्जन पे जाने के लिए। जैसे 160 है वो 350 है, 200 सीसी है, हाँ ठीक है 200 सीसी, तो देख रहा हूँ कि कितना इसकी रीसेल वैल्यू लग जाती है जो मैं अगर उस पर जाऊँ तो। भाई उन्होंने मेरी बाइक की रीसेल वैल्यू लगाई है, एक ने डीलर ने लगाई है 36,000, एक ने लगाई है 55,000, एक ने लगाई है 60,000। तीन डीलर ने पूछी, उन्होंने तीनों ने बहुत बेहतरीन रेट दिए, मन इतना प्रसन्न हो गया, बहुत ज्यादा लगा दी 36,000, ऐसे लगा कि भाई साहब अभी बेच दो मोटरसाइकिल। भाई एल्विस यादव की गाड़ी खड़ी है यहाँ पे देखो, फॉर्चूनर, वो सूरत में अपना मस्त एंजॉय कर रहे हैं गाड़ी लेके यहाँ, पता नहीं कौन सा होना, जैसे शहर में पैर पड़ गए यार, बड़े बड़े लोग छोटे छोटे शहरों में आते रहते हैं अक्सर। साउथ गुड़गांव है ये, साउथ गुड़गांव, सॉरी भूल गया था। वापस आ गए हैं अभी होंडा के शोरूम में, सर्विस हो गई है कटाई, 630 रुपये में अपनी स्कूटी की। चले फिर
चले निकल ले तो निकाल जा तो बहू आगे चले कर बराती पीछे से कर। भाई एक कमेंट करके बताइयो मेरे चश्मा अच्छे लग रहे हैं ना लग रहे। तू क्या कह रहे अभी? अंधा लग रहा है अंधा। ना ना चश्मा क्या होने चाहिए? आईब्रो दिखने चाहिए। आईब्रो दिखने चाहिए तो तेरे आईब्रो दिख रहे हैं तो प्रॉपरली लगाएगा देखे ये चश्मा लगाने सहूरत या तो फालतू की हरकत ने करा ढंग से लगा ले पहले लगाया ढंग से लगा ऐसी ढंगती लगा रखा। अरे ढोर आदमी ढंगती लगा रखा ये ढंगते हैं। हाँ, ये ढंग रैप तो अगर काय को पर को ना मेरे जैसे को तो नीचे जाके परेंगे कम कम ऐसे लगा जा रुक जा आइयो 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 आइयो। भाई मैं डॉग लवर्स से एक चीज पूछना चाहता हूँ। जो आप लोग कमेंट पे कमेंट कर रहे थे कि भाई वो आपका डॉग अग्रेसिव नहीं है, वो आपसे प्यार करता है, वो आप उसके साथ में खेलते नहीं हो, आप उसके साथ में लाड़ प्यार नहीं करते, तो जस्ट मुझे एक चीज बता दो ये कौन सा लाड़ प्यार है भाई? ये कौन सा लाड़ प्यार है? कौन सा खेलना है भाई ये? अब मैं इस कुत्ते की वजह से जो ये कुत्ते ने मुझे पैर पे निशान निशान मारे ना, अब मैं आया हूँ हॉस्पिटल टेटनस का इंजेक्शन लगवाने के लिए। ओके डॉग लवर्स थैंक यू फॉर दी सजेशन, उसके साथ में खेलने के लिए, कूदने के लिए, उससे प्यार कराने के लिए। ओके जी इंजेक्शन लगवा लेता हूँ अब।